हेलो फ्रेंड, कैसे आप सारे? वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हमें ना एक ऐसा क्या बोलते हैं उसे मोबाइल कूलर बनाने वाले, जो कि मेरे फ़ोन के लिए मैं बना रहा हूँ। तो आपको भी बनाना चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले तो आपको इस तरह से कोई एक बॉक्स ले लेना है, इस पर आपको सेंटर मार्क कर देना है। सेंटर मार्क करने के बाद इस तरह से आपको जो कि रेक्टेंगल आपको बना देना है। आपको आपके हिसाब से जैसे भी लगे वैसे आप मार्क कर लो और इसे कट कर देना है। और मैं एक वाईफाई का मेरा ये डब्बा था उसे ही मैं कट कर रहा हूँ, देख सकते हैं। और पीछे से भी ये देख सकते हैं, मैंने इस तरह से लाइन मार दिए दोनों साइड से। आपको सिंपल आपको कट कर देना है और आगे की स्टेप मैं आपको बता दूंगा। बट आप ये एक बार देख लो कैसे कर रहा है, मैंने कैसे किया है। आप थोड़ा अपने हिसाब से दिमाग लगा के आप एक कर सकते हो। देख सकते हैं मैंने इसे स्किप कर दिया और इसे कट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से कुछ आपका फ्रेम टाइप बन जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी जो इसका बचा हुआ मटेरियल है जो अभी मैंने निकाला था उसको यूज़ करना है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये छोटी वाली मोटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे अभी इसका नाम पता नहीं है बट मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया था। इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप इसका जो क्या बोलते हैं इसे प्राइस चेक कर सकते हो आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये मोटर है, आप देख लो ध्यान से। ये गाइस इसमें बहुत ही अच्छी चल वर्क होगी, मेरे पास यही अवेलेबल है। तो इससे मैं आज हमें जो कि कूलर मोबाइल कूलर मतलब मोबाइल कूलिंग करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस बनाएंगे। और यहाँ पे आप एक आपको चाहिए स्विच और जो कि मोटर्स चाहिए होगे वो है अपने 8 मोटर्स चाहिए होगे। मैं 8 मोटर यूज़ करने वाला, आपके पास एक है दो है, आप कितने भी हो आपके पास आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। और ये मैंने रिचार्जेबल बैटरी मतलब ये बैटरी नहीं है, एक छोटा फ़ोन है 500-800 में होता है ना सैमसंग का, उसका जो ख़राब होता है मेरा पूरा डिस्प्ले उसे मैंने रिसाइकलेबल बैटरी बनाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों के हम आज हम यूज़ करने वाले अपने इस प्रोजेक्ट में। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पंखा भी आपको इसके साथ मिल जाएगा अमेजोन पे, सब कुछ अमेजोन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कुछ बनाना है, मतलब जो मैं आपको बोला था वो यूजेबल मटेरियल जो आपने कट किया था उस मटेरियल से मैंने एक स्ट्रिप कट की और इसे सेंटर में मतलब जो रेक्टेंगल है इसके सेंटर में इसे नीचे से मार्क करके अंदर फिक्स कर दिया। आप ध्यान से देखो और आप ऐसे ही सेम आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 स्ट्रिप काट लिए, यहाँ पे हम जैसे मैंने मार्क करके रखा है वैसे ही आप कर सकते हो। आप सेम डब्बा ले लो, सेम साइज़ का भी आप ले सकते हो, नहीं तो आपके पास जो अवेलेबल है उससे ही थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बना लो। क्रिएशन है भाई, रिक्रिएशन आपको अपने दिमाग से लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्रिएशन किया और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने जो कनेक्शन किया था 4 मोटर्स कैसे कनेक्ट किए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लो मैंने ये पहले एक बार करके देखा जो मैं यूज़ करता था ये, बट मेरा ख़राब हो गया तो बोला अभी बड़ा बनाते थोड़ा 8 मोटर का बनाते ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग मिलेगा फ़ोन के लिए। मतलब जब चार्ज करते हो ना आप फ़ोन तो अपना फ़ोन इतना हीट होता है ना, तो उसके लिए मैंने ये ट्राई किया बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये आपको पीछे दिखाया था ऐसे एडजस्ट कर लेना, मैंने देख सकते सेंटर में मार्क करके इसके अंदर डाल दिया। आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा आपको नहीं आता सेंटर में सीधा आप एक कट मार लो, सीधा जाके अंदर स्ट्रिप डाल दो और आगे की साइड कट मार के फिक्स कर दो। ज़्यादा कुछ ये टेंशन लेने की और ज़्यादा दिमाग लगने की ज़रूरत नहीं, खाली आपके हिसाब से कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको 8 मोटर फिक्स कर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है बट आपको सिंपल तरीके से मैं बता दूँ। आप खाली एक दो मोटर कनेक्ट कर लो, उसका प्लस माइनस चेक कर लो और वो मोटर्स की जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है वो चेक कर लो। दोनों की क्लॉकवाइज है तो ठीक है, तो फिर से दोनों को कंबाइन करो, 4 करो, 4 के 8 करो, ऐसे चेक कर करके आठ ही मोटर्स एक की क्लॉकवाइज चल रहे हैं देख लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने को ये सब कुछ फिक्स करना है। इसलिए मेरे को बाद में पता चला कि मेरा प्रॉब्लम कि मैं बाद में मोटर जब फिट करूँगा तब मेरे को प्रॉब्लम आएगा कि मैं वायर्स वेयर बहुत ही जगह कम मिलेगी फिट करने में। तो मैंने क्या आइडिया लगाया कि यह दोनों मोटर्स पे जो कि क्या बोलते हैं आइसक्रीम स्ट्रिप लगा दी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से 8 मोटर्स फिक्स करने, यहाँ पे एक लगेगा, यहाँ पे एक लगेगा और यहाँ देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे एक लगा दूंगा, पीछे की साइड 2 लगा दूंगा। तो चलो मैं इसे फिक्स करके दिखा देता हूँ।
तो फाइनल गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पूरा फिक्स हो चुका है। आप भी देख सकते हैं इस तरह से मैंने कुछ इसमें ज़्यादा मैंने ग्लू स्टिक बिल्कुल कुछ नहीं, जो भी अवेलेबल मेरे पास क्या बोलते हैं अवेलेबल जो भी पड़ा है सेलो टेप उससे पूरा कर दिया है। ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, ज़्यादा एक ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कुछ यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोटर्स विटर्स पूरा मतलब प्लस माइनस का जो खेल है ना यार, थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बता दूँ, जब प्लस माइनस दोनों एक जॉइंट कर लो और एक रोटेशन चेक करना, बस आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेरा घूम रहा है, दिखने में तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो मैंने पूरा पैक कर दिया है, मतलब वायर मैनेजमेंट में मैंने थोड़ा बहुत मेरे तरीके से मतलब जितना अपने इंडियन तरीका मतलब मेरे को जितना जमा उतना मैंने कर दिया। आपको आपके तरह जो आपके पास आप ज़्यादा क्रिएटिविटी से ज़्यादा क्रिएशन आप करते हो तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हो। तो मैंने एक आपने अपना एक आइडिया सजेस्ट किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि परचेज करने की जरूरत नहीं, खुद भी खुद बना सकते हो ज़्यादा, मतलब मैं अभी इसे परमानेंट बना दूंगा, देख लो कैसे एकदम दिखने में अच्छा बना दे। तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप मैं कहना ये क्या बोलते हैं इसे ये इसे धागा इस तरह से एक आपको धागा लेना है और एक सुई लेनी है। ये भी बहुत ही अच्छा यूनिक है, जहाँ पे आप देख लो इस तरह से एक लगा देना है बाजू से ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आप सिलते हो ना कपड़े को कौन से भी, उस तरह से आपको कर देना है। मैं वन साइड ही करूँगा बट मैं आपको बता देता हूँ, आप दोनों साइड से कर सकते हो तो कर लो, दोनों साइड से अच्छा लगेगा, बट दोनों साइड से करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। अभी मेरे को बहुत दिक्कत आई तो मेरे को पता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आगे से भी आप देख लो मैंने इस तरह से कुछ कर दिया है, ध्यान से देखो मैं वन साइड ही किया, बाजू से भी कर दिया। यहाँ पे आप देख लो कितना आराम के साथ अपना फ़ोन यहाँ पे बैठ जाएगा, और गाइस क्या बोलूँ मतलब इतना कूल रहेगा ना, जितना जो आप परचेस करते हो ना उससे तो बेटर ही रहेगा। जो आप परचेस करते हो मतलब अपने पीसी के लिए क्या बोलूँ मतलब लैपटॉप के लिए आप परचेस करते हो कूलिंग पैड, उससे अच्छा तो ये बेटर रहेगा। मतलब पंखा जो अपने फ़ैन है वो बहुत ही पावरफुल फ़ैन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फाइनल टच, जहाँ पे गाइस यहाँ पे क्या लग रहा है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ रह गया है। पूरा मैंने इसमें देख सकते हैं पूरा पैक कर दिया, मतलब खिलौना टाइप लग तो रहा है बट इतना मैंने इसे मजबूत किया है ना, मतलब इसने इतना हार्ड बनाया है कि भाई ये 2-3 साल तक टिकेगा इसे कुछ नहीं किया तो। खाली आपको चार्जिंग के लिए मैंने बनाया, जब मैं गेम्स खेलता हूँ मेरा फ़ोन भी बहुत हीटेड है तो मैं इसके ऊपर इसे टेढ़ा करके रख देता हूँ और जिसका स्विच ऑन कर देता हूँ, मतलब ये रिचार्जेबल है, बहुत ही मतलब ओपी वाला है। तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे बहुत ही मस्त हवा लग रही है मेरे को फास्ट। आप ऐसे आइडियाज लगा कि आपने क्या क्या बनाया मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मतलब आपने आपके पास क्या क्रिएटिवनेस है और आपके पास कोई भी यूनिक आइडिया है यूनिक क्रिएशन है मेरे को नीचे कमेंट में बोल देना, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगा। अगर आपको ये क्रिएटिविटी अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, और मैं मिलूँगा एक अनदर न्यू क्रिएशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपका जो वीबी क्रिएशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट डालना मत भूलिए। तो मिलता है एक अनदर न्यू वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।